हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एसएससी ब्लॉग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कटहल का तड़का अचार, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले आप कटहल छील के छोटा छोटे टुकड़ों में एकदम इस तरह से छोटा छोटा काट लें। उसका कोआ यानी कि उसका बीज एकदम अलग कर दें, बीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, बीज एकदम से निकाल देना है। इस तरह छोटा छोटा काट लेंगे, ऐसे बर्तन में रखेंगे जिससे कि पानी छन जाए, जैसे हम इसमें रखे हैं। देखिए हमारे गांव में वैसे ही अचार बनाते हैं, इस तरह से छोटा छोटा पीस कर देंगे एकदम, जितना हो सके उतना छोटा छोटा पीस कर दीजिए, क्योंकि हम इसको तड़का लगा के बनाएंगे ताकि जल्दी से पक जाए। देखिए छोटा छोटा कर ले रहे हैं, इस तरह से हमारा छोटा छोटा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से धुलेंगे, नल पे ले जाएंगे, बाहर नल है हमारे। देखिए बहुत काई हो गई क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ा काई हो गई है। नल पे ही धुलेंगे क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, बाल्टी भर पानी चाहिए। एक दो बार बाल्टी में इसको अच्छे से धो के छान लेंगे, धुल के छान लेंगे। देखिए गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो किट किट करेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में, क्योंकि ज़मीन पर काटा गया है, बहुत बड़ा कटहल था। इसको हम अमकस से या ज़मीन पे काटे हैं, इसलिए इसको अच्छे से धुल लेंगे। अब हम इसको धुल के इस तरह से छान लेंगे पूरा। अब आएंगे इधर हम किचन में, कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, करीब 1.5 करछुल तेल होना चाहिए, दाल वाली करछी से। तेल डाल दिए, तेल गर्म हो रहा है, इसको छान लिए, पानी इसका निकल गया है। इधर हम मेथी ले लिए हैं 2 चम्मच, तेल गरम हो गया, हम इसका तड़का लगाएंगे मेथी से, जो बेहद टेस्टी भी होता है। मेथी डालने से अचार बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, किसी भी अचार में अगर आप मेथी डाल देते हैं तो उसका स्वाद तो बढ़ता ही है, उसका फायदा भी हो जाता है। देखिए हम इस तरह से तड़का लगाएंगे, अब हम इसको भूनेंगे, फ्लेम एकदम फुल रखेंगे हम, अच्छे से भूनेंगे इसको। हम सारा कटहल इसमें डाल देंगे, सारा कटहल डाल देंगे इस तरह से चलाते जाएंगे। नमक अभी बिल्कुल नहीं डालना इसमें, नहीं तो गल जाएगा। ये गलना नहीं चाहिए, हल्का सा बफना चाहिए बस। इसको भूनेंगे, पहले थोड़ी देर तक हम इसको भूनेंगे, इस तरह से भूनते रहें। एक बार ये अचार आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसको आप बना के 1-2 महीने तक आराम से खा सकते हैं, उसके बाद भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है ये। लेकिन इतना टेस्टी होता है कि आप 1-2 महीने में इसको ख़त्म कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे, 10 मिनट बाद खोलेंगे इसको, फिर चलाएंगे, बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट में चलाते रहें इसको। देखिए नीचे लाल हो गया है, इस तरह से चलाते रहें एकदम भून के, बढ़िया से एकदम बढ़िया से भून लें, चलाते रहें। देखिए फिर हम इसको ढक देंगे, फिर 10 मिनट बाद खोलेंगे, फिर हम इसको चला देंगे, अच्छे से भून देंगे। इस तरह से भूनेंगे एकदम, खोलने के बाद इसको अच्छे से भूनना है। देखिए चेक कर रहे हैं हम, ये पक चुका है, थोड़ा कड़ा ही रहे तभी आप इसको भून दें, बस भून के हटा दें, ढके ढकना नहीं है, फ्लेम फुल करके इसको भूनें, जो इसका भाफ है स्टीम जो हुआ है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, पानी इसका एकदम ख़त्म हो जाए, सिर्फ तेल तेल बचे। इस तरह से भून लें इसको, वो बढ़िया से इसको भून लेंगे, इस तरह से बराबर चलाते हुए भूनना है। अब ये हो चुका है लगभग,
देखिए पानी इसका एकदम ख़त्म हो गया है, अचार ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। ये मत सोचिए कि आप ख़राब हो जाएगा, हम जो चीज़ बना के ट्राई कर लेते हैं वही चीज़ आपको बताते हैं। अब हम बंद कर देंगे, इंडक्शन बंद हो गया है, अब इसको थाली में फैलाएंगे। एकदम पानी नहीं लगा होना चाहिए, थाली एकदम सूखी होनी चाहिए। एकदम फैलाएंगे अच्छे से, दो थाली में, जितनी थाली में आपको ज़्यादा है तो तीन थाली में फैलाइए, चार थाली में, कम है तो एक ही थाली में फैलाइए। इस तरह से फैला दीजिए। अब इसको हम धूप में रख देंगे, सामने हम खटिया रखे हैं चारपाई, इसी पे हम रख देंगे धूप लगने के लिए। दिन भर इसमें धूप लगेगा, इसका पानी एकदम से ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि एकदम बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए एकदम सूख चुका है ये, लहसुन ले लिए इतना, इसको हम पीस लेंगे, इसको हम पीस लेंगे। इधर लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं, आमचूर पाउडर ले लिए हैं, 4 से 5 चम्मच मसाला ले लिए हैं, हल्दी ले लिए हैं, वो मसाला जो हम आपको बताए हैं सूखा पाउडर बना के हम रख लेते हैं, किसी भी अचार में उसको डाल के बना देते हैं, वही मसाला है। लहसुन पिसा गया है, किसी भी अचार में लहसुन डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा, लहसुन ज़रूर डालिए। देखिए सूख चुका है एकदम बढ़िया से, हम इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जो हम अचार का मसाला आपको बताए हैं वही मसाला है जो बना के स्टोर करके हम करीब साल भर के लिए रख देते हैं। अब हम हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से डालिए ज़्यादा या कम, हम ज़्यादा तीखा नहीं बना रहे हैं, कम ही तीखा बना रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, लहसुन ले लेंगे, इसमें निकाल लेंगे, फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सब। इसमें तेल डाल लेंगे, तेल हम पहले भी डाले थे इसलिए इस टाइम इसमें कम तेल डालेंगे, क्योंकि पहले का भी तेल है इसमें। तेल डाल दिए, आप चाहें तो और ज़्यादा तेल डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, कोई दिक्कत नहीं, जितना तेल डालेंगे अच्छा ही होगा। और इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से ले लीजिए, हम 2 चम्मच तक ले लिए हैं। हम अच्छे से मिलाएंगे इसको, बढ़िया से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो अचार ख़राब हो सकता है, कहीं पे नमक अमचूर ये सब नहीं पहुंचा रहेगा अगर, तो अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से मिक्स करें, बहुत ध्यान से इसको मिक्स करना है। अब हम इसको डब्बे में रख देंगे, ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपके किसी भी काम का हो, तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। देखिए फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।